कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी बड़ी ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज मैं मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी आपको ये, और ये समझ लें ये जो नानी दादी बनाती थी ये वो वाली रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसको आप दावत में रखें, शान आती है इसको रखने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए मैंने चिकन लिया है, इसको फोर्क से अच्छे से हम इस तरह से कूद लेंगे ताकि हम इसमें जो भी मसाला लगाना चाहें तो उसको हम अच्छे से मैरिनेट हो जाए और मसाला अंदर तक चले जाए। आप चाहें तो कट भी लगा लें इसके अंदर इस तरह से करके। और ये देखिए मैंने ज़ाफ़रान भिगो के रखा है और इसके अंदर छोटी इलायची पीस के और उसमें वो डाला हुआ है। इसको हम अच्छे से इसको हम मैरिनेट करेंगे इससे ताकि ज़ाफ़रान की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए। अब मुर्ग मुसल्लम बनाएंगे और ज़ाफ़रान ना हो तो फिर ये ज़्यादती हो जाती है इसके साथ। तो आप भी कोशिश करें कि इसको ज़ाफ़रान जब इस तरह की चीज़ें बनाएं तो थोड़ा सा हाथ भी खुला रखना चाहिए ताकि चीज़ प्रॉपर बन के निकले तो ही मज़ा आता है, वरना चीज़ में कमी रह जाती है तो फिर ना वो मज़ा आता है ना वो चीज़ का टेस्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए आप जो है कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर ज़ाफ़रान ज़रूर लगाएं। इसका जो खुशबू होती है जब बन के निकलती है डिश तो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। इसको अभी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसकी ज़ाफ़रान जो है बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक जज्ब हो जाए इसके अंदर। थोड़ा सा जो बचा है ये भी इसमें डाल देती हूँ ताकि इसको अच्छे से ये हो जाए। अब इन बिटवीन हम मसालों की तैयारी कर लेंगे। ये देखिए पिसी हुई प्याज, तली हुई प्याज लिए मैंने, खशखाश लिए मैंने 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, 2 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है, बादाम लिए हैं मैंने, काजू लिए हैं, पिस्ते लिए हैं मैंने, ये देखें किशमिश लिए, खोपरा लिया है। सारे मसाले हम इसको हम घी में फ्राई करेंगे। और ये देखें 4 अंडे हैं मैंने 2 लिए हैं, अभी मैं आपको एक दिखाया था, मैं 2 चिकन का बनाऊंगी। दही लिया है हमने, ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये देखें मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर। मसाले अगर आप देसी घी में फ्राई कर लें तो इसकी बात ही कुछ और होती है। देखें इस तरह हम जितने भी ये मेवे हैं इसको हम हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे बिल्कुल भी, क्योंकि इसका मसाला अच्छे फिलिंग होती है अंदर। तो कोशिश की जाती है कि मसाला हम इस तरह से भून लें ताकि जो है कच्चापन ना रहे। जब आपका चिकन आप खोलेंगे उस वक्त तो फिर ये होता है कि मसाला कच्चा कच्चा रहता है तो मज़ा नहीं आता उसके अंदर। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको इस तरह से इसको देखें हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अंडे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर दे देंगे अंडों को भी। आप यकीन माने इसको आप कोई दावत हो आप इसको रखें, एक शान आती है इसको रखने से, बहुत मज़े का। ये देखें धनिया और खशखश, प्याज और क्या कहते हैं इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, ये सारा हम इस तरह घी में थोड़ा थोड़ा भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए मसाले में, क्योंकि जब आप अंदर इसको भरेंगे मसाला तो ज़ाहिर है वो इतना पक नहीं पाता है। तो आपका ऑलरेडी मसाला इस तरह पका हुआ होगा, भुना हुआ होगा तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखें छोटी इलायचियाँ लिए मैंने 15 से 16, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी लिए मैंने ये मसाले। अब इसको हम इसमें से हम आधा गरम मसाला, आधा जो हमारे पास वो है ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम आधे हम थोड़े ज़्यादा पीस लेंगे और उसमें आधे हम थोड़े मोटे मोटे पीसेंगे। सारे मसाले हमने बाकी पीस लिए हैं, ये देखें हमने थोड़े मोटे मोटे जो रखे हुए हैं ये गरम मसाला है। देखें अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही, अच्छा इसके अंदर कोशिश करें कि दही में भी पानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि मसाला जितना अच्छा सूखा सूखा होगा वो अंदर भरने में आसानी होती है। अगर आप बहुत रनी सा और पतला मसाला अंदर फिल करेंगे तो वो फिर बाहर निकल आता है। तरह से सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे, नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया। सारे मसाले, ये हमारे मसाले तैयार हो गए इस तरह। तो
थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, और स्टेप बाय स्टेप इसको आप बनाएंगे तो आपकी चीज़ भी मैरिनेट होती जाएगी। देखिए नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब आधे हमने गरम मसाले पीस लिए हैं और आधे मसाले जो हैं हम मसाले में अंदर डालेंगे, जब हम बघारेंगे तो डालेंगे उसके अंदर खड़े गरम मसाले जो होंगे, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये देखिए हमारा तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा इसमें कट भी लगा लिया है, एक में मैंने कट लगाया, एक में इस तरह बनाया हुआ है। ये देखिए अब एक अंडा हम अंदर की साइड पे इसको रख देंगे ताकि जो है मसाला गर्दन से जो है गर्दन के हिस्से से निकले नहीं बाहर। एक अंडा मैंने अंदर रख दिया है और एक अंडा जो है हम इस तरह से बाहर रख देंगे एंड में। ये मसाला थोड़ा रोक लेते हैं तो मसाला, और फिर ये के अंडे तो जाहिर टेस्ट आता है इनका, रखते हैं इस तरह से। ये देखें बड़ा है चिकन तो इसमें दो अंडे मैं रखे दे रही हूँ। अच्छा आप चाहें तो सुई धागे से इसको सी लें, लेकिन मैं सुई धागे से नहीं सी रही हूँ इसको, मैं टूथपिक से टूथपिक लगाऊंगी। तो ये की है ना, फिर थोड़ा सा मैं मसाला और रख देती हूँ इसके अंदर, मैं टूथपिक लगा के इसको बंद करूंगी। ताकि ये आराम से हो जाए, बस इसलिए रख देते हैं ताकि मसाले में वो ना निकले बाहर मसाला इसका, वरना भी हम जब फ्राई करेंगे तो ज़ाहिर है चिकन थोड़ी सी वो सख्त होती है तो उसके बाद जो है ना सारा मसाला बाहर आ जाएगा इसका। इस तरह से टूथपिक से इसको आप कर दें। टूथपिक से आप सुई धागा पे जब आप काम खिलाने चलो तो उस वक्त फिर काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, धागा आता है। टूथपिक का ये फ़ायदा होता है कि जब आप सर्विंग के टाइम पे आप उस वक्त टूथपिक निकाल दो और आराम से आपका ये जो है रेडी हो जाता है, निकल जाता है। अब ये देखें धागे से मैं दोनों पैर ऐसे बांध दूंगी। पुराने वक्तों की जो डिशेस होती थी उनके जायके इतने ज़बरदस्त होते थे कि आज जो है तोड़ फोड़ करके डिशेस बन गई हैं लेकिन उनमें जायके नहीं हैं। वैरायटी तो बहुत आ गई है, पहले वैरायटी कम होती थी जायके बहुत होते थे, अब वैरायटी बहुत हो गई है जायके कम हो गए। तो ये जो डिशेस हैं कुछ हमारी शुरू से चली आ रही हैं, ये समझ लें फॉर एवर डिशेज हैं, एवर ग्रीन डिशेज कह लें, कि ये ना कभी थकता है बंदा इनको खाने से ना कभी इनसे बोर होता है। देखिए इस तरह से हमारी तैयार हो गई है। एक और लगा देती हूँ टूथपिक इसके अंदर इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से पहले हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर मज़ीद मसाला जो हमने ये रखा हुआ है इसको हम अच्छे से मैरिनेट इसके अंदर डाल के और इसको हम तकरीबन एक घंटे के लिए दम पे लगा देंगे और उसके बाद हमने खोलना नहीं है इसको, बिल्कुल स्लो 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 पकता रहेगा ये, और जो इसके मसाले सारे उसके अंदर जज्ब हो गए, जो खुशबू उसमें ज़ाफ़रान की और उसकी जो निकलेगी ना एंड में उसका तो बस क्या कहना। अच्छे से पैक कर लिया है ये इस तरह से। देखिए मैंने ये मसाले जो मैंने गरम मसाले थे इसमें भी मैंने घी डाला है, लेकिन मैंने देसी घी नहीं डाला है, वनस्पति घी जो लिया है उसके वो डाला है। मैं ऑयल में नहीं बना रही हूँ इसको। इस तरह से हम इसको रखेंगे और हम इसको चारों तरफ से बहुत अच्छे से तल लेंगे पहले। इसको कलर दे देंगे पहले, थोड़ा सा मैंने अभी कट लगा दिए थे इसके अंदर ताकि जो हम मसाले इसमें जो हम डालेंगे ना ऊपर
वो हमारे जो है अच्छे से अंदर मैरिनेट चले हो जाएगा इसका ये, और चिकन में जो एक फीकापन होता है ना ब्रायलर चिकन में, वो चीज़ नहीं रहेगी। ये देखिए कितना अच्छा सा मैंने इसमें कलर दिया है, दूसरा भी ये है। अब ये जो मसाले हमारे बचे थे इसको हम इसको डाल देंगे इस तरह से, ताकि सारे ये मसाले जो है ना इसमें पक भी जाएंगे और इसको जितना भी ऊपर से फीकापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे अब, और इसको हम बिल्कुल ढक के तकरीबन 30-40 मिनट्स के लिए, बल्कि मैं थोड़े से चिकन बड़े हैं तो मैं इसको, और ये जो हमने मसाले ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े मोटे रखे थे वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। आधे जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे वो हमने मसाले में डाल दिए थे, थोड़े से मोटे थे ये हम इसमें डाल रहे हैं इस तरह से। आप इसको मेरे स्टाइल से जरूर ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कितने जबरदस्त से ये बनते हैं। इसको उलट पलट करके कर देंगे, उलट पलट करके, ताकि जो है मसाले अच्छे से अंदर इसमें चले जाएं। इसको मैं 20 से 25 मिनट के बाद दोबारा खोलूंगी थोड़ा सा, और इसको मैं दोबारा घुमा दूंगी। अभी इस तरह कर देंगे ताकि जो है इसमें अब धीमी आंच में पकता रहेगा ये बिल्कुल। इसको हम बंद कर देंगे, अब हम इसको खोलेंगे नहीं, तकरीबन 25 मिनट्स तक देखें इसके बाद मैंने खोला ये। आप ये देखें धीमी आंच में पकते पकते माशाल्लाह से कितना जबरदस्त सा कलर आया है, और ग्रेवी देखें आप कितनी जबरदस्त सी हो गई है भुनकर। इसको आप बिल्कुल इस तरह से बनाएं, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसमें आ रही है कि बस दिल चाह रहा है कि अभी नान मंगाऊं और अभी खा लूं, इतनी मज़ेदार लग रही है इसकी खुशबू। देखें आप कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आया है। बस जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके टूथपिक इसमें जो लगाए हुए हैं तो वो निकाल देंगे, और बेहतरीन सा हमारा ये और मुसल्लम तैयार है बिल्कुल शाही अंदाज में। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा मुर्ग मुसल्लम रेडी हो गया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।